प्रकार का पत्र लिखा है? माननीय राष्ट्रपति महोदय को मैंने अपने खून से एक पत्र लिखा है। वो पत्र सीधे ये है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा निकालने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये कौन सा राष्ट्र, कौन सी मजबूरी है विश्वविद्यालय प्रशासन की कि हमको तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। वहीं कैंपस में पत्थरबाजों के समर्थन में एग्जाम टाइम के समय पूरा एक हुजूम निकलता है, नारेबाजी करता है, लेकिन उस हुजूम पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और सोनवीर सिंह जी ने एक लेटर राष्ट्रपति महोदय को लिखा है जो कि उन्होंने अपने खून से लिखा है, कलम से अपने कलम को खून में डुबो कर लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली जो कि राष्ट्रभक्तों के दिल की बात थी, उनकी राष्ट्र भावना सरोवर बनी थी, जो राष्ट्र के जय घोष के साथ में, राष्ट्र के बंधन के घोष के साथ में उन्होंने इस कैंपस में एक तिरंगा यात्रा निकाली। और उन छात्रों के साथ क्या किया जाता है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, सभी छात्रों को सस्पेंड करने की धमकी तक दे दी जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्र भावना को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके खिलाफ में राष्ट्रपति महोदय को इसको संज्ञान में लेकर एक उचित कार्रवाई करने के लिए खून से लिखा हुआ पत्र लिखा है, जैसे कि वो उस पर कार्रवाई लें और राष्ट्रभक्ति को यहाँ पर बचाया जा सके, राष्ट्रवादी छात्राओं को सुरक्षा दी जा सके। तो क्या मानते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आहत पहुँचा क्या है? मैं अपनी कहूँ तो मैं आज इतना अधिक आहत हूँ क्योंकि जब तिरंगा यात्रा निकाली गई मैं इतना अधिक प्रफुल्लित था कि आज वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली गई, बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन हमसे कहा जाता है कि हमारी राष्ट्र भावना, हमारी राष्ट्रभक्ति यहाँ पर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का काम करती है। मैं जानना चाहता हूँ भारत के संविधान से विश्वविद्यालय चलता है, क्या भारत का संविधान अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लागू नहीं होता क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तालीमी इदारा है और यहाँ अराउंड 30,000 के अराउंड स्टूडेंट्स यहाँ तालीम हासिल करते हैं। और जिस तरह से उस दिन एक यात्रा निकाली गई थी, जिस शोर शराबे के साथ और जिस तरह नारेबाजी उसमें करी गई थी, वो एक पैटर्न नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ करने का। यहाँ एक सेट पैटर्न है जिसके तहत आपको चीज़ें करनी होती हैं और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक सेट पैटर्न होता है, उसके तहत आपको काम करना होता है। अगर आपको कोई यात्रा निकालनी थी तो आपके पास एक इलेक्टेड बॉडी है जो कि स्टूडेंट यूनियन के नाम से, आप हमारे पास आते, हमसे मशवरा करते, एक प्रपोजल देते, हम उस पर डिस्कस करते और साथ मिलकर कोई भी काम को अंजाम देते। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल स्टंट के लिए उस चीज़ को किया गया, क्योंकि जो कुछ लोग उसमें हैं वो किसी एक पार्टी के फॉलोअर्स हैं, और उस चीज़ को पिछले भी पास्ट में अगर हमने देखा हो इस तरह की चीज़ें हुई हैं और उसका क्या रिजल्ट रहा है, वो सबको हर एक चीज़ का इल्म है। और रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की, तो हम लोग भी अगर कोई चीज़ करते हैं, हमने पास्ट में की हैं बिना परमिशन के, तो हमें भी शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। तो शो कॉज नोटिस इशू होना बिना परमिशन के ये कोई इशू का मौजू नहीं है। जो शो कॉज इशू हुआ है वो इसलिए इशू हुआ है क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली थी, वो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है। वो तिरंगा यात्रा को कोड नहीं किया गया है, उसको जिस तरह से मैनिपुलेट करके मीडिया उसको हाइप दे रही है, और जो एक मकसद था उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड, वो मीडिया उसको इतना हाइप दे चुकी है कि वो एक पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड उसका बन रहा है, उसका ग्राउंड बन रहा है, वो एक मुनासिब बात नहीं है।